नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के बारे में एसएसपी जावेद इकबाल ने कहा, आतंकियों की मदद करने में आरोपी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। टोडा इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। पूरी नजर बना के रखे हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेज और सभी जितने भी हमारी एजेंसीज है यहाँ पे अलॉन्ग विद जेके पुलिस, और हम लोग सभी इस पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है हमारे एरिया में डोडा में चल रहे हैं। हमने अभी तक जो कोटा टॉप में हमारा विल्टेंस के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था, उसमें हमने उस केस में अभी तक 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। ये तीनों नियर बाई ही गांव है, वहाँ पे टांटा ड्रमन करके वहाँ के लोग हैं, वो तीनों उनको अरेस्ट किया हमने, जिन्होंने मिलिटेंट्स को एज ए गाइड और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए थे और फिर इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को, उस चीज़ को छुपाया और एरिया में मिलिटेंट्स को सेटल होने दिया। इसी के बेस पे हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया और इसमें आगे भी मतवक्का है कि और भी अरेस्ट इसको होनी है। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है? हाँ, उसमें 2 लोग हैं, एक का नाम सफदर है और दूसरे का नाम मुबशिर है और तीसरे का नाम सजाद है। ये तीनों उसी गांव के हैं, तांता द्रमन के, और अभी तक ये 3 अरेस्ट हुए उसमें। तो अभी कितने इसमें 2 ग्रुप्स का हमारे एरिया में सो फार अभी तक प्रेजेंस कंफर्म हुआ है। एक गद्दो एरिया में, जिसमें 4 का नंबर हम लोग बता सकते हैं, जिसमें 3 अरेस्ट भी हुए, और तीसरा और दूसरा ग्रुप जो मैं बताऊंगा आपको, जो छतरगला में हमारा इंसिडेंट हुआ था, 2 से 3 हम लोग लेके चल सकते हैं कि 2 से 3 लोग उस इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व थे। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ई दृष्टिगत क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के किसानों की फसल खराब हुई थी, आज उनके खाते में मुआवजा पहुंचाया गया है। ये योजनाएं गरीब लोगों को सशक्त और मजबूत करने के लिए है। हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा के विकास के लिए, गरीब के हित के लिए और किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। पोर्टल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों का फसल का खराबा हुआ था, आज एक बड़ी अमाउंट उनके खाते के अंदर उस मुआवजे की पहुंचाई है। और दूसरी जो दयालु योजना है, किसी परिवार के ऊपर जो अगर दुखों का पहाड़ टूटा है, परिवार में कोई घटनाक्रम हो गया है, ऐसे परिवारों को संबल देने के लिए उनके खाते में भी आज लगभग हजारों की संख्या में वो हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था उनके खाते में करोड़ों रुपया पहुंचाने का काम आज यहां से एक बटन दबा करके किया है। क्योंकि ये योजनाएं गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने के लिए, जो हमारे किसान हैं उन किसानों को अगर प्राकृतिक आपदा के कारण दिक्कत आ जाती है तो सरकार एक संबल बनकर के उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और मजबूती से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम इस मुआवजे के माध्यम से किसानों को किया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी